आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सिमर आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आज अयोध्या में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया जिसमें रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा हुई। तमाम धर्माचार्यों की इस बैठक में तय हुआ कि यदि सरकार प्यार से मंदिर का निर्माण नहीं करती है तो जैसे बाबरी मस्जिद गिराई गई थी ठीक उसी प्रकार राम मंदिर का भी निर्माण होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 जून को मंदिर निर्माण के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इस संदर्भ में अयोध्या से हमारे संवाददाता कार्तिक कुमार ने धर्म सभा में आए धर्माचार्यों से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अधिकार होगा राम दिलीप का, ना ही इसके अधिकार होगा न्यास का, ये रामलला का अधिकार होगा। उसका भाई मुकदमा रामलला ने किया है, हाई कोर्ट से रामलला जीते हैं तो संपत्ति रामलला को मिलेगी। हिंदू धर्मशास्त्र देखिए, हिंदू धर्मशास्त्र में मंदिर की संपत्ति ठाकुर की होती है, मंदिर बनाने वाले की नहीं होती, किसी महंत की भी नहीं होती, पुजारी की भी नहीं होती, वो सेवादार हो सकते हैं। तो हिंदू धर्म शास्त्रों का पालन तो करेगा अदालत भी, हम भी करेंगे। दिलीप और न्यास की क्या भूमिका होगी? कोई भूमिका नहीं, केवल मंदिर का निर्माण, उसके बाद तो हमारा कोई विषय नहीं। निर्मोही अखाड़े के बारे में कहा है आपने? हमने ये कहा है निर्मोही अखाड़ा 350 साल से पूजा करता था, ये परमहंस जी ने उच्च न्यायालय में बयान दिया है, मैंने सबके ध्यान में लाया है। पूजा पद्धति में क्या कोई चेंज होगा क्या? अरे कौन कर सकता है रामलला की पूजा पद्धति में, रामानंद परंपरा है, परंपरा के अनुसार होगी। मंदिर बनने के बाद पूजा पाठ का अधिकार निर्मोही अखाड़े का ही होगा? मालूम नहीं किसका होगा, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं। महाराज जी, आज जो बैठक यहाँ थी उसमें क्या फैसला लिया गया कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाएगा या आगे क्या किया जाएगा? राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए 1528 से जो संत लगातार प्रयास कर रहे हैं और 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे देश के अंदर छाया, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वार्ता के लिए गठित किया गया है, 3 व्यक्ति आकर वार्ता करा रहे हैं जिसकी बात अभी बाहर नहीं आ रही है और उस आदेश का उल्लंघन भी होगा बाहर आना उच्च न्यायालय का। तो श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूज्य अध्यक्ष श्री नृपालदास जी महाराज, न्यास के अन्य पदाधिकारीगण पूज्य श्री वेदांति जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संतों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री राम जन्मभूमि पर केवल हम भव्य श्री राम मंदिर ही चाहते हैं, अन्य भी किसी प्रकार की कोई आराधना स्थल विधर्मियों का नहीं चाहते, ताकि भविष्य में आने वाले समय में बराबर के लिए कोई कंटक हो, इसलिए सभी संत एक संग रहें, एक मुस्त रहें और अभी फूल बहुमत से जो सरकार आई है इस सरकार पर दबाव डालकर, इस सरकार से आग्रह करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। जैसा कि बंगाल में श्री राम की जय बोलने पे जो है लोगों को जो है जेल भेजा जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में भी क्या कोई निर्णय हुआ या कोई बात हुई? हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंपत राय जी ने ये कहा कि सभी लोग एक एक पुरस्कार पर जय श्री राम लिखकर और मुख्यमंत्री बंगाल के नाम से प्रेषित करें, ताकि ये पता चले कि राम को जानने वाले, राम को मानने वाले कितने लोग हैं इस देश के अंदर और राम के नाम को कभी दबाया नहीं जा सकता। इस तरह बंगाल की भूमि वंदे मातरम की भूमि रही है, वंदे मातरम की आवाज़ वहीं से बुलंद हुई है। जय हिंद की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस की बंगाल की भूमि के थे और भाजपा की स्थापना करने वाले, जनसंघ की स्थापना करने वाले मुखर्जी भी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की भूमि के थे, जो बाद में भाजपा के रूप में प्रेरित होकर और जब जय श्री राम के नारा लेकर पूरे देश में छाई और आज भारत के सत्ता पर वो काबिज है, जय श्री राम का ही कमाल है। महाराज जी, आज की जो धर्म सभा थी उसमें सरकार पे दबाव बनाने के लिए और राम मंदिर के लिए क्या फैसला लिया? अगर तो समय आ गया, देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने, देश ने विदेशों में युद्ध बसे हुए हैं, सबके अंतःकरण में ही इच्छा है कि कितना जल्दी भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण। जनता ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन में भी बैठे हुए जो लोग हैं
उनसे भी बार बार मेरी चर्चा यही होती है, कहते हैं कि बस केवल एक ही इच्छा है कि राम जन्मभूमि भक्त मंदिर कब देख लें। यही इच्छा, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या समझौता और क्या समझौता क्या करना, तो राम जन्मभूमि बनेगा, राष्ट्र ही अखंड। सवेरे जब आपका ये जो है यहाँ धर्म सभा होने वाली थी, तो उस दौरान इकबाल अंसारी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, ये जो धर्म सभा हो रही है इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे उनके लिए कोई मतलब नहीं हो सकता है, और उनके लिए जो कुछ उनका मुद्दा भी है उस मुद्दे का भी कोई मतलब नहीं है। बेसिकली बात यह है कि वो लोग जिस बात के लिए लड़ रहे हैं उस बात का आधार इस भारत देश में है ही नहीं। यहाँ बाबर की जन्मभूमि नहीं है, यहाँ राम जी की जन्मभूमि सिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो हम लोगों को राम जन्मभूमि के लिए एक्शन प्लान बनाना है। हमारे धैर्य की जो सीमाएं हैं वो एकदम से लबालब भरी हुई है, और जिस प्रकार से 1992 में इसका प्रकटीकरण हुआ, अगर यहाँ के राजनीतिक, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के जुडिशियरी में बैठे हुए लोगों को अगर वही रूप देखना पसंद है, तो अब ये गागर इतना लबालब भरा हुआ है कि अब उसी प्रकार की प्रतिक्रिया से हम सब लोग इसका निर्माण भी करेंगे। हमारे लिए इसका ये मतलब है, और इसी मतलब से हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया है, और इसका सही एजेंडा यही है कि अब हमें संतों को, हिंदू समाज को, चूँकि संत इसके धर्माचार्य हैं, नेतृत्व करता है, अगर मुस्लिम समाज के लिए मुल्ला मौलवी आस्था के विषय हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि संपूर्ण हिंदू समाज के लिए संत लोग आस्था के विषय हैं। संत जो प्रेरणा देंगे, जो संकल्प कराएंगे, जो करेंगे, उसके लिए हिंदू समाज पूरी तरह से कटिबद्ध होकर के अपना कार्य योजना को लागू करने का प्रयत्न करेगा। तो अब हम सब लोगों का धैर्य लबालब भरा हुआ है इस मतलब से, और बहुत उद्देश्यपूर्ण ये बैठक थी। इसमें जो मध्यस्थता की बात हो रही है ये बिल्कुल उपहास्यास्पद है, और इसके पहले भी मैंने कहा था वो कंटेम्प्ट वगैरह चलता है तो चले, हमने कंटेम्प्ट नोटिस को देखा है हाई कोर्ट में, उसकी क्या दशा होती है, और जिस तरह से हमने अनुभव किया कि ये आँख की आँख पे जो पट्टी बंधी हुई है न्याय की देवी की, ये भारत वर्ष के न्याय का प्रतीक नहीं है, ये ब्रिटेन के न्याय के का सिंबल है। तो उसी तरह से हम लोग प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी के लोग, यहाँ के भ्रष्टाचार और माफिया लोग, भ्रष्टाचारी और माफिया लोग कहते हैं कि अदालत एक कमरे में बैठती है, उस कमरे से बाहर देखने की उसके पास क्षमता ही नहीं है। उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। पिछले मई में हमारा एक कंटेम्प्ट पिटीशन इसी आधार पर डिसमिस हुआ है, और वो भी अयोध्या को ही लेकर के। यहाँ जो अपभ्रंश तमाम से नाम रख दिए गए, जो वेदों में है, पुराणों में है, उन नामों को मिटा मिटा करके और उसके जगह पे अपभ्रंशित राजनेताओं के नाम पर नामकरण किया गया है। इसमें हमें ऑर्डर प्राप्त था और हमने कंटेम्प्ट उसके लिए मूव किया था, और यहाँ से ब्यूरोक्रेसी के द्वारा एक गलत रिपोर्ट गई और अदालत ने मान लिया, तो हमको लगा कि वास्तव में इनके पास देखने की आँख है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब इनको इनके पास आँख नहीं है, ये आँख नहीं है इनको देखने का कि मोहम्मद का जन्म भारत में हुआ कि अरब देश में हुआ, तो ये आँख नहीं है कि राम जन्मभूमि के लिए प्रमाण चाहिए भारत देश में और अयोध्या में, तो ये तो दृष्टिहीनता का परिचायक है। इसलिए हमको न कभी विश्वास था, न कभी है, न रहेगा। हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे और निश्चित रूप से उसी को क्रियान्वित करेंगे। उसका अंजाम जो भी होगा, अभी तक देखा है, आगे देख लेंगे। मतलब आर पार की लड़ाई होगी? जब भी हुई है आर पार की लड़ाई हुई है। 75 बार हिंदू समाज ने भारतवर्ष के किसी और तीर्थ में और किसी धर्म स्थल को लेकर के इतनी लड़ाई हिंदू समाज ने भी नहीं लड़ा, और इतनी प्रतिबद्धता से मुसलमानों ने भी उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया जितनी राम जन्मभूमि और अयोध्या को लेकर के हुआ। 75 बार हो चुकी लड़ाई, 75 बार हिंदुओं ने वहाँ अधिकार किया, उसको मंदिर का रूप दिया, वहाँ पूजा पाठ किया। ये 76वीं लड़ाई है, और इस लड़ाई में भी वही होगा। हम लोग मंदिर का रूप देते आ रहे हैं,
500 वर्षों से हमारा जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोच है, हमारी जो संस्कृति है, 500 वर्षों में 75 बार वहाँ मंदिर स्थापित किया है। ये 76वां बार ही मंदिर ही स्थापित करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं स्वीकार। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तहलका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहलका।